ट्रेंडिंग शब्द विनोद जो हाल ही में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है ने करोड़ों इंटरनेट यूजरों को हैरान कर दिया है यह सोचकर कि यह सब क्या है। इसके बाद पुलिस बलों से लेकर जाने माने ब्रांडों तक हर कोई हैशटैग विनोद मीम्स का उपयोग करके चिढ़ा रहा है क्योंकि यह सोशल मीडिया पर हावी है। इस शब्द की चर्चा एक यूट्यूब चैनल स्लेप पॉइंट से हुई जहां रचनाकारों अभ्युदय और गौतमी ने 15 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें विभिन्न वीडियो के तहत की गई भद्दी टिप्पणियों के बारे में बात की गई जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। शीर्षक व्हाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज में दिखाई गई इस वीडियो में उन्होंने अपने दर्शकों को यूट्यूब उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़ी गई विचित्र टिप्पणियों की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई थी। यह तब था जब उनके एक सब्सक्राइबर विनोद थारू द्वारा एक टिप्पणी पर चर्चा की गई थी जिन्होंने सिर्फ टिप्पणी कॉलम में अपना नाम विनोद लिखा था और कुछ नहीं। इसने स्वाभाविक रूप से करोड़ों इंटरनेट यूजर को चकित कर दिया और यहीं से मीम पैदा हुए। ओरिजिनल वीडियो के बाद इस नाम से ट्विटर पर जो मीम भेजने की शुरुआत हुई ऐसा लगा एक मीम उत्सव मनाया जा रहा है जहां लोग अपने हैशटैग विनोद मीम्स के अनूठे संस्करणों के साथ आए जो उस समय वायरल हो गए थे जब वे पोस्ट किए गए थे। हालांकि नाम के साथ संबंध समाप्त नहीं हुए। हर सवाल और हर स्थिति के लिए उत्तर केवल एक ही रहा, विनोद। इसके अलावा पुलिस बलों से लेकर टिंडर, पेटीएम, स्विगी, अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और एयरटेल जैसे ब्रांड नामों तक ट्रेंड में शामिल हो गए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी मीम को एक फोटो, वीडियो, छोटी बातचीत का स्वरूप जो आमतौर पर हंसी मजाक के लहजे में उपयोग में लिया जाता हो के रूप में परिभाषित करता है जिसे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा तेजी से और अक्सर उपयोग में लिया जाता है मामूली बदलाव के साथ। और यदि आपने रेडिट या बजफीड पर कभी कोई समय बिताया है तो आप यह जानते ही हैं कि यह इंटरनेट के लिए बनाया गया था। खैर, कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी दवा है, इसलिए हम कुछ बेहतरीन, बेवकूफ़ी भरे और सबसे प्रसिद्ध मीम इस दुनिया के जो अन्यास ही हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं के सफ़र में आपको ले चलते हैं। सामान्य तौर पर मीम सामाजिक विचार के एक संचरित सांस्कृतिक प्रतीक का गठन करते हैं। यह तब और कष्टप्रद हो सकता है जब आपके आसपास के लोगों का एक समूह ऐसी भाषा बोल रहा हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे हों। वे क्या कह रहे हैं? वे क्यों हंस रहे हैं? क्या वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? यह इंटरनेट संस्कृति के साथ अभी बहुत से लोगों के साथ होता है जो मीम के बारे में नहीं जानते हैं। मीम ऑनलाइन एक प्रमुख और प्रभावशाली भाषा का गठन करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर मीम अनपढ़ हैं। यकीन है एक मीम पर सरल बोल्ड पाठ अंग्रेजी में हो सकता है, लेकिन संदर्भ और मेटा कॉलबैक पूरी तरह से विदेशी है। हमारे चारों ओर वार्तालाप हो रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। मीम एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग लोग इंटरनेट पर करते हैं और बारीकियों को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं जो ऑनलाइन के बीच बातचीत की भाषा को समझने में महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट संस्कृति में बदलाव आया है, मीम व्यापक किसी महत्वपूर्ण जरूरी बातों अथवा पहचानों के आसपास कम केंद्रित हुए हैं और अक्सर मजाक के लिए उपयोग में लाए जाने लगे हैं। अक्सर मजाक को समझने के लिए एक गहन स्तर की आवश्यकता होती है। आइए मीम की दुनिया में प्रवेश करें यह जानने के लिए कि कौन से अन्य मीम इस भारतीय मीम विनोद की तरह विश्व प्रसिद्ध हुए। सोनम गुप्ता बेवफा है। विमुद्रीकृत बैंक नोटों के प्रतिबंध के बीच बैंकों और एटीएम के बाहर लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ट्विटर हास्य को खोजने और सभी सोशल मीडिया चैनलों पर सोनम गुप्ता बेवफा है को टॉप ट्रेंडिंग बनाने में कामयाब रहा। चेंज माई माइंड। 2018 के शुरुआती दिनों में कॉमेडियन स्टीवन क्राउडर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो एक कुर्सी मेज पर बैठे हुए हैं। उस तस्वीर में लिखा था, पुरुष विशेषाधिकार एक मिथ है, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। मतलब मेल प्रिविलेज इज अ मिथ, चेंज माई माइंड।
उनके कार्यों को उनके पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय के बाहर बहस छिड़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। परिणाम दिलचस्प थे। पोस्टर पर शब्दों को बदलने वाले लोगों के साथ फोटो कई मीम के लिए एक टेम्पलेट बन गया, लेकिन उस टेम्पलेट को फोटोशॉप कर करोड़ों बार इंटरनेट पर रिलीज किया गया। मीम भी अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय साबित हुई। विचलित प्रेमी यानी डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड, यह मीम काफी असामान्य है कि यह आईस्टॉक जैसी कंपनी जो तस्वीर बेचने वाली कंपनी है कि एक तस्वीर से पैदा हुआ है। यह छवि मूल रूप से फोटोग्राफर एंटोनियो गियम द्वारा ली गई थी, जिन्होंने इसे 2015 में आईस्टॉक पर अपलोड किया था। 2 साल तक यह छवि लोकप्रिय मीम बनी रही। वास्तविक जीवन की चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छवि में एक कपल के चेहरों की प्रतिक्रिया देखकर इतने सरल कैप्शन के साथ होने के बावजूद करोड़ों लोग विचलित हो गए। बाद के महीनों में यह तस्वीर और उसके बाद बनाए गए मीम अत्यंत लोकप्रिय साबित हुए, इस हद तक कि 2018 के अंत तक कई कंपनियों ने विज्ञापन में उपयोग से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। एग्जिट 12, एक वास्तव में सरल मीम जो उच्च गति पर एक कार को आक्रामक रूप से मोटरवे से बाहर निकलते हुए दिखाती है। इस तस्वीर को बस रोड साइन में कैप्शन जोड़कर ट्वीक किया गया है, जो दो विकल्पों के बीच लेखक की पसंद को दर्शाता है। सरल, प्रभावी और कभी लोकप्रिय हुआ यह मीम इतना कि करोड़ों लोग जब सफर करते थे तो हंसकर जरूर एक दूसरे से पूछते थे कि एग्जिट 12 तो नहीं चलना है। टाइट पॉड्स 2017 में प्रसिद्ध, 10 सेकंड के लिए इंटरनेट पर एक चैलेंज शुरू हुआ कि जहां लोग कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट को खाने और YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे। इस प्रवृत्ति ने जल्दी से ऐसा करने वालों की मूर्खता के चारों ओर विभिन्न मीम में बदल दिया। अगले 3 महीनों में यह मीम नंबर 1 की ट्रेंडिंग बना रहा। सौभाग्य से तथाकथित टाइट पॉट चुनौती खत्म हो गई है। क्रोधित बिल्ली या ग्रम्पी कैट। क्रोधित बिल्ली एक विशेष रूप से चिड़चिड़ी दिखने वाली बिल्ली है, जिसका असली नाम टार्डर सॉस है। 2012 में क्रोधित बिल्ली की मूल तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई थीं। क्रोधित बिल्ली की विभिन्न फोटोशॉप तस्वीरें ऑनलाइन दिखाई देने लगीं, जो विषय के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपनी अरुचि व्यक्त करते हुए कैप्शन के साथ दिखाया जाने लगा। क्रोधित बिल्ली की मीम इतनी लोकप्रिय साबित हुई कि इसने खिलौने, किताबें, टी शर्ट और यहाँ तक कि कॉफी पीने सहित सभी प्रकार के वस्तुओं में अपनी जगह बना ली। सक्सेस किड। सक्सेस किड, जिसे आई हेट सैंड कासल्स भी कहा जाता है, 2008 के आसपास लोकप्रिय हो गया जब समुद्र तट पर एक बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। इस तस्वीर में वो बच्चा बहुत गुस्से में लग रहा है। बाद में फोटो को फोटोशॉप किया गया और हजारों अलग अलग मीम में बदल दिया गया। इस बच्चे का असली नाम सैमी ग्रिनर है और अब वह कुछ साल बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी लगता है कि वह बच्चा ही है जिसकी आज भी हम मीम की तस्वीर देखकर अपने आप को खुश कर लेते हैं। उनकी प्रसिद्धि ने 2016 के मध्य में, जब अपने पिता की किडनी ट्रांसप्लांट के खर्च के लिए उनके द्वारा मांगी गई मदद की राशि वह 100 गुना जुटाने में कामयाब हुए। कह सकते हैं वह सही मायने में सक्सेस किड हैं। जितना अधिक हम मीम को समझ सकते हैं और अपनी समझ की साक्षरता को बढ़ा सकते हैं, उतना ही हम समझ सकते हैं कि लोग वेब पर जो भाषा बोल रहे हैं वह अब इंटरनेट की दुनिया की भाषा है।